इस कहानी के लेखक है संतोष देशपांडे। 20 साल पहले मैं कोकण के नानेली और कानेली इन दो गांवों का सर्वेक्षण करने गया था। उस समय की बात है, नानेली से कानेली की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर होगी, लेकिन रास्ते में मुझे 1.5 मील चलना पड़ा। 500 फुट ऊंचे पहाड़ को चढ़ के पार करना पड़ा और फिर पहाड़ से उतरना भी पड़ा। मैं कृषि विभाग में कार्यरत था। मेरा काम गांव में खेत की जमीन का सर्वेक्षण करना, गांव वालों से मिलना और उन्हें आम, चीकू और कटहल के पौधे के लिए सरकार से मंजूरी दिलाना और 3 महीने में एक बार दिए गए पौधों का निरीक्षण करना था। उस दिन मेरे सहायक हरीश, करण और धीरज और उसी गांव के राजू परब नाम के एक दुकानदार के साथ हम सब नानेली से कानेली जा रहे थे। सुबह का समय था, हमने अपना लंच बॉक्स साथ में लिया था। राजू हमें जाने के लिए गाइड कर रहा था। गांव की बस्ती को पार करके हम एक लकड़ी के पुल से निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहने वाले झरने को पार करते हुए हम उस 500 फीट की पहाड़ी की तलहट में आ पहुंचे। तलहट पर पास ही में एक बुढ़ा आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया। उस बुढ़े आदमी ने राजू परब से कोंकणी में कुछ पूछा तो राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रहण है आज, रुक जा, साहब को मत ले जा वहाँ, वो गांव रात में रुकने के लिए सही नहीं है। अरे इसलिए हम सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। राजू क्या तुम्हें पता नहीं, उस गांव की घाटी में एक नदी है, नदी के पार उस गांव में एक बार जो आदमी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये आप क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। केवल ग्रहण के दौरान ही ऐसा होता है, वो गांव लोगों को निगल लेता है। राजू और बूढ़े आदमी के बीच चल रही बातचीत सुनकर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी हरीश और करण, ये दोनों मेरे असिस्टेंट, कहने लगे, सर कोंकण में भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां और उसके चर्चे होते हैं, देखिए वो बूढ़ा आदमी एक और नई कहानी कह रहा है। हम जो कह रहे थे उस पर ध्यान देते हुए बूढ़े ने हमसे कहा, आप लोग यहाँ के नहीं हो इसलिए मैं आप सबसे ये बता रहा हूँ, पर मैं हैरान हूँ कि ये राजू तो यहीं का रहने वाला है पर फिर भी इसे ये सब कुछ पता नहीं। इस पर राजू ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ लेकिन उसे गांव जाने का कभी मौका नहीं मिला, कभी कभार गांव की यात्रा के दौरान ही कभी काकेली देखी होगी पर मैं उस नदी के पार कभी गया ही नहीं। इन दोनों की बातचीत को नजरअंदाज करते हुए हमने राजू से कहा, चलो हमें सूरज ढलने से पहले इसी रास्ते से वापस आना है, आते वक्त कर लेना जितनी बातें करनी है। इस पर राजू ने बूढ़े से कहा, बाबा सूरज ढलने से पहले हम वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। बूढ़ा कुछ बुदबुदा रहा था पर हम वहां से निकल पड़े। गांव में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही लकड़ी का पुल था। हम उस लकड़ी के पुल पर चलते हुए उस गांव में चले गए। बहुत चलने के कारण हम थक चुके थे, गांव में पास ही के बस्ती में रुक गए। वहां हमने 4-5 किसानों से बात की, हमारे पास के नक्शे दिखाकर उन्हें आम और कटहल के पौधे के बारे में जानकारी दी। सब काम होने के बाद उसी किसान के घर के पीछे एक पेड़ की छाया में बैठकर हम लोग अपना टिफिन खाने लगे। रात में चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव के लोग अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। मुझे लगा कि कोकण में अंधविश्वासी लोग ज्यादा है। लगभग 3:30-4 बज रहे थे। उसी समय हमें गांव देवी के मंदिर के बगल में बहने वाली आमेरी नदी पर जाने का सहयोग आया। बहुत से लोग हमसे नाना भगत के घर ना जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन नाना भगत को अपने खेत में तटबंध पर चीकू और नारियल के पौधे लगवाने थे और इसीलिए उनके खेत को देखना, निरीक्षण करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। रास्ते में राजू गांव वालों से कोंकणी में कुछ बात कर रहा था। हमें ज्यादा समझ नहीं आया, बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा कहते हुए हमने सुना। नाना भगत गांव देवी के मंदिर के पीछे रहते थे, ठीक अंबेरी नदी के बगल में। हम नाना भगत की बस्ती में पहुंचे। हमने वहां 4-5 औरतें, 2 बच्चे, 2 बूढ़ी औरतें और नाना भगत को देखा। नाना भगत ने कमर से घुटने तक धोती लपेटी थी, हाथ में छड़ी
गले में अलग अलग मोती की मालाएं, सिर पर एक बड़ा सा कुमकुम का टीका लगाया हुआ था। वो बहुत जल्दी में था। उसने हमें देखते ही बैठने के लिए विनती की और उसने कहा, देखिए आप कल आ सकते हो, अभी आप निकलो यहां से। हमें समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। हालांकि हमने जोर देकर कहा कि हम आपका खेत देखना चाहते हैं, जिस पर नाना भगत ने कहा, देखिए मेरा खेत नदी के उस पार है और आज खेत में नहीं जा सकता, क्योंकि जब ग्रहण चल रहे होते हैं तब मैं नदी पार नहीं करता। उसके ऊपर मेरे सहायक हरीश ने कहा, साहेब कोंकण तो अंधविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है। नाना भगत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने हमें जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहा। हमें वास्तव में समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वो हमें अपना खेत नहीं दिखाना चाहता था? उसके पास खेत नहीं था, या वो सिर्फ एक पौधा खरीद कर किसी और को बेचेगा? हमारे दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आने लगा। कल फिर से इतना लंबा पैदल सफर करना हमें मुमकिन नहीं था। हमने नाना भगत से 10 मिनट में खेत दिखाने का अनुरोध किया और कहा कि खेत देखते ही हम वहां से तुरंत निकल जाएंगे, कल हम वापस नहीं आ सकते। इस पर नाना भगत ने कहा, साहब मैं आपसे जल्द से जल्द जाने की विनती करता हूँ, मेरे पास रुकने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। मुझे बस ग्रहण शुरू होने से पहले नदी के पानी में जाना है, उसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ अपनी सिद्धि का जाप करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से तुरंत निकल जाइए। हरीश और करण दोनों ने कहा कि धीरज से पूछो क्या करें। चलो यहाँ देवी के मंदिर में रहते हैं और कल यहाँ खेत देखने आते हैं और फिर वापस चले जाएंगे, नहीं तो राजू हमारी मदद कर ही देगा। और अगर अभी हम निकलते हैं तो सूरज ढलने से पहले पहुँच ही जाएंगे, वरना रात में घने जंगल से उस पहाड़ को उतरना मुश्किल है। मुझे लगता है आज हमें यहीं रहना चाहिए। मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत था, लेकिन राजू तैयार नहीं था। मगर मुझे जाना चाहिए, अगर आपका मन करे तो यहीं रुके और सुबह इसी रास्ते से वापस आए, नहीं तो गांव के कई लोग नाने लिए आते रहते हैं। मैं आपके भोजन की व्यवस्था यहीं पास के घर में करूंगा और चला जाऊंगा। इस पर मैंने राजू से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दोपहर का खाना बचा हुआ है, तुम जा सकते हो, हमें फिर से अपने पैर नहीं तोड़वाने चल चल के। और बस 10 मिनट ये आखिरी खेत देखना बाकी है, नाना भगत को नदी में चले जाने दो, हम चुपके से पुल के पार जाते हैं खेत देखने के लिए और ये 2 बोट लगाकर जल्दी वापस आते हैं। तुम यही रुको, फिर हम साथ में वापस जाएंगे। फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ, मैं भी साथ आता हूँ। देखो वो नाना भगत नदी में जा रहा है, नदी में जाने के बाद वो कहाँ कुछ कहने वाला है। चलो हम चलते हैं नदी के उस पार। नाना नदी के आधे पानी में खड़ा हुआ था। उसके घर की सभी औरतें शांत रहकर अपना काम कर रही थी। जैसे ही वो चला गया हम उसके पीछे उस पुल तक गए जो थोड़ी दूर पर था। हम सब ने चुपके से उस पुल को पार कर लिया। आगे पहुंचने के बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां जाने के बाद हमें 100 से 150 कब्रें दिखाई दी। हमें लगा कि ये एक कब्रिस्तान होगा और आगे कहीं खेत होगा। कुछ दूर चलने के बाद हमें उस जगह पर एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ खेत खत्म हुआ था। एक छोटा सा पंप हाउस था जहाँ हम सब पानी पीने लगे और अचानक सिर में झनझनाहट होने लगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मुझे बस इतना ही याद है, कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली, तब मुझे सब कुछ उल्टा दिखने लगा। क्या हमें उल्टा लटका दिया है? मुझे ये समझ नहीं आया। किसी के को जैसे सिसकने की आवाजें आ रही थी, शायद बाहर कुछ चल रहा था। मैं अपने सभी साथियों को उल्टा लटके हुए देख रहा था। हालांकि जैसे मैं कुछ समझ पाता कि मेरे साथ कौन कौन है, तभी एक आदमी अंदर आया और उसके पीछे एक और आदमी भी था। हम सभी को बाहर निकाला गया। एक कुआं जिसके पास 3 या 4 लोग थे, उसमें 3 अधेड़ उम्र की महिलाएं और एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। हमें पकड़े हुए 2 आदमी कुएं के सामने वाली आहुति कुंड के सामने ले गए और राजू को उठाकर कुएं के पास ले गए। तब बुढ़िया हाथ में बाल्टी लेकर आई। उसने बाल्टी को कुएं में फेंक दिया, पानी जैसा कुछ उसमें से निकाला और राजू के शरीर पर फेंक दिया। वो लाल खून था। राजू के शरीर पर खून क्यों? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 2 लोगों ने उसे उठा लिया
और कुएं पर लगे एक लकड़ी के खंभे पर उल्टा बांध दिया। राजू मदद के लिए चिल्ला रहा था, उसकी आवाज बहुत तेज होती जा रही थी। उसी समय हमें किसी के अजीब से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसके पहले ही उस कुएं से कोई ऊपर आया और राजू को नीचे खींच के ले गया।